एक बार फिर से आपका सबका स्वागत है न्यूज सेवन क्रिएटिव चैनल में। और जैसे कि आपको पता है 20 मार्च को सारा विश्व में ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है। तो ये न्यूज सेवन क्रिएटिव का आज का ये प्रोग्राम है डॉक्टर फॉर यू। और डॉक्टर फॉर यू में हम आपको मुलाकात कराएंगे हर एक प्रोग्राम में एक एक्सपर्ट डॉक्टर को लाके, क्योंकि डॉक्टर से हमको हम आपको कुछ एडवाइस देने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि कंटेंट्स ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे कि कंटेंट्स देख के आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिले। और जो 20 तारीख को 20 मार्च को जो ओरल हेल्थ डे है उसके ऊपर, ओरल हेल्थ क्या है, ओरल हेल्थ डे के ऊपर हमारे बीच मौजूद है, हमारा चैनल में हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर संजय सरकार। इनके पास कई सालों का तजुर्बा है और ये डेंटल और ओरल सर्जन है। आपको हमारे तरफ से स्वागत है हम लोग का न्यूज सेवन क्रिएटिव चैनल में। इनके पास 12 इयर्स से ये ओरल हेल्थ और डेंटल हेल्थ के ऊपर एक्सपीरियंस है, 12 इयर्स से पेशेंट देख रहे हैं। तो हम व्यूअर्स को ओरल हेल्थ के ऊपर, ओरल हेल्थ के ऊपर इनके हम कोशिश करेंगे कि आप अच्छे जितना भी हो सही जानकारी आपको मिले। हम लोग का हमारे बीच मेहमान मौजूद है डॉक्टर संजय सरकार। इनसे तो संजय सरकार जी पहले आप ये बताइए हम लोग का व्यूअर्स को जे ओरल हेल्थ है क्या, आप ओरल हेल्थ है क्या इसके ऊपर थोड़ा हम लोग को दर्शक को आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप थोड़ा बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार सरकार बोल रहा हूँ। ओरल हेल्थ मतलब मुंह का क्या रखना, मुंह का अंदर का दांत का। ओरल हेल्थ में आता है मुंह का जो अंदर का स्किन होता है उसका, प्लस जितना आपका टीथ है 32 टीथ है सबका केयर रखना है। ये केयर रखने के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ दो टाइम ब्रश करना है सुबह और शाम को। जब भी आप स्टिकी चीज़ मतलब जो भी मीठा चीज़ होता है, चॉकलेट वगैरह होता है, कुछ भी है जो स्टिक दांत पे स्टिक होता है, वो सब खाने के बाद मुंह को फुला करना है, सफा करना है। इतना करने से आपका दांत का प्रॉब्लम 90% तक कम हो जाएगा। मतलब आप ओरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं? जैसे करना है जो बोला मैंने उसको करना है, दो टाइम ब्रश करना है, जो जितना भी मतलब आपका जो स्टिकी फूड है मीठा चीज है वो खाने के बाद मुंह को साफ रखना है, इतना करने से हो जाएगा। और कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है, कोई कॉस्टली टूथपेस्ट नहीं यूज करना है, कॉस्टली टूथब्रश नहीं यूज करना है, सिर्फ दो टाइम ब्रश करना है, अच्छी तरह ब्रश करना है। जैसे कि हम सुनते हैं कि जिंजिवाइटिस हो या गाम में इंफेक्शन होना, वहां से फूलना, वहां से मतलब इंफेक्शन होना, तो आप थोड़ा व्यूअर्स को थोड़ा काइंडली बता दीजिए कि अब क्या होता है। देखिए, दांत का कॉमन प्रॉब्लम है डेंटल कैरीज, जो आप लोग बोलते हैं पोक लगता है, लेकिन पोक तो दांत में कभी होता नहीं है, वो डेंटल कैरीज होता है। डेंटल कैरीज कब होता है? जब आप कुछ खाने के बाद आप दांत छापा नहीं करेंगे, दांत छापा नहीं करेंगे तो जो खाना है वो कार्बोहाइड्रेट होता है नेचुरली। कार्बोहाइड्रेट जो मुंह में जो एसिड रहता है हम लोग का, जो मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम होता है मुंह में, वो सब वो कार्बोहाइड्रेट को मतलब क्या बोलते हैं उसका, आपको कार्बोहाइड्रेट को वो केमिकल रिएक्शन करके वो एसिड फॉर्म होता है, एसिड, वो एसिड दांत को गला देता है उसको। उसके बाद जब ज्यादा हो जाता है उसको हम लोग डेंटल कैरीज बोलते हैं। लेकिन ऐसे मतलब दांत में पुका होना ये होना नहीं होता है। और जो लोग ज्यादा रात को सोने से पहले सफा करके सोएगा तो उन लोगों को डेंटल कैरीज होने के चांसेस बहुत कम होता है। और जिंजिवाइटिस भी नहीं होगा क्योंकि कैल्कुलस जमा नहीं होगा, छापा रखने से अब कैलकुलस कभी जमा नहीं होता है। कैलकुलस होने के लिए आपका 1-2 महीने का टाइम नहीं लगता है, वो साल 2-3 साल 5 साल ऐसे टाइम लगता है, क्योंकि थोड़ा एकदम पत्ता पत्ता बायोफिल्म फॉर्म होके होके उसके बाद वो कैल्सिफाइड होता है, उसके बाद कैलकुलस होता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपका इतना बड़ा तजुर्बा है 12 इयर्स, इतना छोटा साल नहीं है, 12 साल से आप पेशेंट देख रहे हैं, 12 साल से आप पेशेंट से डील कर रहे हैं, तो जैसे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
तो बीमारी ना हो इसके लिए कुछ उपाय भी अभी अभी आपने बताया है हम लोग का इस वीडियो में। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा टीथ को दांतों में कैसे ब्रश किया जाता है, बहुत सारे लोगों का ब्रश करने का कॉन्स्टेक्टिव भी नहीं है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो मैं भी ऐसा ही था कि मैं भी कुछ साल पहले गलत तरीके से ब्रश कर रहा था। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आज तो सब आप रूबर हो रहे हैं हम लोग दर्शक के साथ, व्यूअर्स के साथ यहाँ पर इस वीडियो में, तो मैं चाहता हूँ आपको कि आप थोड़ा दिखा दीजिए कि हम लोग का जो व्यूअर्स है उसका व्यू भी सही तरीका क्या है। ठीक है, दांत ब्रश करने का सही तरीका हम लोग जनरली ब्रश कैसे करते हैं, ऐसे लेके ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे करते हैं, ये ब्रश करने का सही तरीका नहीं है। एक्चुअली ब्रश करना है अप एंड डाउन, मतलब नीचे का जो दांत है उसको वाइब्रेट करना है नीचे की तरफ देना है, सॉरी ऊपर का जो दांत है वाइब्रेट करना है नीचे की तरफ देना है, और नीचे का दांत जो है वैसे वाइब्रेट करना है ऊपर की तरफ देना है। सिमिलरली आपका अंदर की तरफ भी सेम ऐसे करना है, आपका ऐसे उसको निकालना है, ऐसे ब्रश करने से कोई फायदा नहीं होता, ब्रश करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करने से आपका दांत हमेशा अच्छे ही रहेगा। तो व्यूअर्स लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि ओरल हेल्थ डे जो है तो वो 20 मार्च का है, तो ये आज जो हम लोग का वीडियो है शायद आपको अच्छा लगा होगा, कहीं बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिला होगा। डॉक्टर साहब ने हमारे चैनल में आके ये बताया कैसे ब्रश करना सही, कैसे बीमारी से बचना सही है, और बीमारी है क्या, क्योंकि ओरल हेल्थ की वजह से लाखों करोड़ों लोग ओरल की बीमारी से जूझते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पान गुटखा जो खाते हैं तो ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इससे क्या होता है? नहीं खाना चाहिए, इससे दांत खराब होता है क्या? दांत खराब होता है, सब कुछ खराब होता है, ये खाने से सबसे बड़ा बीमारी जो है ओरल कैंसर वो होता है, होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो आपको कहने का मतलब ये है पान गुटखा है वो सब कभी नहीं खाना चाहिए। तो आपको कहने का मतलब है पान गुटखा मत खाओ, ये खाने से ओरल कैंसर होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो ये अगर ये सामान्य जो इनका एडवाइस है ये फॉलो करने से आपका ओरल कैंसर भी नहीं होगा, दांत भी आपका सही रहेगा, दांत भी डिके नहीं होगा। तो मैं और एक व्यूअर्स की तरफ से मैं आपको और एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होगा एडवर्टाइज में आता है टीवी में ये टूथपेस्ट यूज करो वो टूथपेस्ट यूज करो, आप बताइए टूथपेस्ट को यूज करना चाहिए या कुछ जेल को यूज करना चाहिए, कौन सा सही रहेगा? सबका फंक्शन एक ही है, अब खाली ब्रश तो ब्रश नहीं कर सकते, उसके साथ कुछ आपको चाहिए, खाली ब्रश मुंह में लेके कैसे ब्रश करेंगे, उसको उसके साथ कुछ लुब्रिकेंट चाहिए जो दांत में थोड़ा फ्रेशनेस लाए, थोड़ा फॉर्मिंग वगैरह हो, बाकी ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो बाजार में जितना भी मतलब टूथपेस्ट मिलता है, लेकिन मेडिकेटेड जो टूथपेस्ट है उसमें थोड़ा अलग फंक्शन होता है। तो शुक्रिया डॉक्टर संजय सरकार, आपने हमारे चैनल में इतना अच्छा एडवाइस दिया, थैंक यू इसके लिए। और व्यूअर्स को लोगों को मुझे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर आज का ये कंटेंट, आज का ये इन्फॉर्मेशन डॉक्टर फोरी प्रोग्राम का जो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरी तरफ से डॉक्टर संजय सरकार सर आपको थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल में आने के लिए, अगले और भी आते रहेंगे डॉक्टर सर, आपसे मुलाकात होते रहेंगे, थैंक यू, शुक्रिया।